और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधानसभा सत्र की। कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा राजस्थान का, मुख्यमंत्री आवास पर इसके पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई। 8 सिविल लाइन्स में बैठक आयोजन हुआ है और कांग्रेस के सभी विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। विधायकों को सीएम की ओर से डिनर भी दिया जाएगा और इस बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। तो सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और अब कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से डिनर भी दिया जाएगा और बड़ी बात यह कि बीएसपी के विधायक और निर्दलीय विधायकों को भी यहां पर इनवाइट किया गया है। पूरी तरीके से सरकार की कोशिश है कि सरकार अपने कामकाज को आगे बढ़ा सके, कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उनको अमलीजामा पहनाया जा सके। इन सबके बीच विपक्ष की भी तैयारी है कि सदन में तमाम मुद्दों को उठाया जा सके, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा है, लेकिन सहयोगी पूरी तरीके से साथ डटे रहें इसकी भी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में ये बैठक बहुत खास है, डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिल रही है। आज डिनर दिया जाएगा जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे, बीएसपी के विधायक भी शामिल होंगे। और अभी इस बैठक को लेकर क्या कुछ चल रहा है उस पर अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सबसे अहम बात, विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है जिसमें सबसे अहम पार्ट है बजट का। तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है और सबसे खास बात, सरकार की मौजूदगी मजबूती के साथ दर्ज हो इसकी तैयारी पूरी की गई है। कैबिनेट की बैठक में भी तभी सभी मंत्रियों को आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं और सभी विधायकों से पूरी एक्सरसाइज करने को कही गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है उसमें हर एक विधायक को टिप्स दिए जाएंगे कि किस तरीके से वो अपनी बात को सदन में रखें, किस तरीके से विरोधियों का जवाब दें और सबसे अहम बात, सहयोगियों को, साथियों को मजबूती से साथ कैसे लाया जाए ताकि उसमें से कोई भी ना डिगे। इसके लिए डिनर भी रखा गया है यहां पर, सभी विधायक एक साथ आज रात्रि भोज करेंगे और कल सुबह सदन में एक साथ दिखाई देंगे। तो यह अहम खबर, 8 सिविल लाइन्स पर बैठक का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, पहले सर्वदलीय बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक, और अब इस बैठक में क्या ये माना जाए कि सभी विधायकों को टिप्स दिए जाएंगे कि कल कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करें और साथ ही साथ पूरे सत्र में किस तरीके से हावी रहे विरोधियों पर? सुषमा, देखिए चूंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, काफी अहम सत्र, बजट सत्र है, ऐसे में आज राजनीतिक गतिविधियां होना लाजमी है। सुबह सर्वदलीय बैठक ली थी स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा में, जिसमें बताया था कि किस तरह से सदन वो चलाना चाहते हैं। और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई 4 महीने के अंतराल के बाद, और अब कांग्रेस विधायक दल की जो मीटिंग है वो हो रही है मुख्यमंत्री आवास पे। और आप देख सकते हैं कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे जारी है। आदर्श नगर के विधायक रफीक खान है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये जो कांग्रेस की विधायक दल की जो मीटिंग है, कल की जो रणनीति बनेगी जो सत्र को लेके, उस पर भी चर्चा होगी। कल सत्र शुरू हो रहा है और आज ये अहम मीटिंग है, किस तरह की चर्चा होने की संभावना रफीक जी? कल सत्र शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका एक प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट करेगी, और कुछ ऐसे मामले भी हैं जो पिछली सरकार में ठीक तरीके से हुए नहीं। एक दो मुद्दे मेरे भी नज़र में हैं जिन पे मैं बोलना चाहूँगा अगर समय मिलेगा तो। विपक्ष है वो पूरी तरह से आपको घेरने की कोशिश में जुटा है विभिन्न मुद्दों को लेके, तो ये भी एक चुनौती रहेगी आपके सामने कि कैसे, क्योंकि आप सरकार के विधायक है तो किस तरह से जो है वो उनकी जवाब दे पाए? कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष आए तो सही, हम तैयार हैं पूरे तरीके से, फुल फ्लेजर्ड रूप से कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस विधायक दल पूरा मजबूती के साथ में अपने काम के लिए तैयार है, मौजूद है, तो कोई भी अगर आएगा और कोई मुद्दे लेके आएंगे तो उनका जवाब उन्हें दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं सुषमा की जो विधायक वो लगातार पहुंच रहे हैं, और भी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। खिलाड़ी बैरवा है वो यहाँ पहुंचे हैं, परसराम मोरदिया है वो आए हैं, कृष्णा पूनिया जो खिलाड़ी भी है लेकिन अब राजनीति के क्षेत्र में अपना दम दिखाना चाहती है, साधुपुर से विधायक है,
वो भी यहाँ पे जो है वो पहुंची है। और ये जो कांग्रेस का जो विधायक दल का जो सत्र है उससे जो पहले वो यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि एक रणनीति बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कल का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी जो है वो रणनीति वो बनाई जाए। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया।